गरीबों का मसीहा, रॉबिनहुड, ये सारे नाम बॉलीवुड के एक एक्टर को मिले हैं और ये सब कोरोना काल के दौरान हुआ। हिंट से तो समझ गए होंगे आप कि यहाँ बात सोनू सूद की हो रही है और आज तो उनकी बात होनी ही थी क्योंकि आज खास दिन है, सोनू सूद का जन्मदिन है और इस साल वो 51 साल के हो गए हैं। अब लाइफ की गोल्डन जुबली पार कर चुके सोनू सूद का दिल भी सोने का है क्योंकि इतने सारे लोगों की वो हेल्प जो करते हैं, लेकिन सबके मन में ही सवाल रहता है कि सोनू सूद के पास इतना पैसा कहां से आता है जिससे वो लोगों की मदद करते हैं। अब सिर्फ 5,000 रुपये लेकर मुंबई में आने वाले सोनू सूद आज करोड़ों के मालिक हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो चलिए आपको हम इस वीडियो में बताते हैं सब कुछ। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने अपनी कड़ी मेहनत से इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है। बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि एक्टर ने मुंबई में जब कदम रखा था तो उनकी जेब में सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये थे। कभी ट्रेन में टॉयलेट के पास सोए तो वहीं एक कमरे में 12-12 लड़कों के साथ रहकर सोनू सूद ने स्ट्रगल किया है, लेकिन आज वो करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन चुके हैं और मजबूर लोगों की मदद कर उन्होंने नाम, सम्मान और प्यार सब कुछ कमाया है। सोनू सूद ने फिल्म शहीद आजम से अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था। एक्टर की ये फिल्म साल 2002 को रिलीज हुई थी। उसके बाद एक्टर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया। सोनू सूद ने सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि साउथ फिल्मों में भी काम किया है। हालांकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब वो मुंबई आए थे तो उनके पास पैसे नहीं थे और उन्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी। सोनू सूद के नेटवर्थ की बात करें तो वो करीब 135 से 140 करोड़ रुपए के मालिक हैं। एक्टर फिल्मों के अलावा एड और रियलिटी शो से भी कमाई करते हैं। सोनू सूद ने कोरोना महामारी के दौरान एक अनोखी लोकप्रियता हासिल की। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन की वजह से लाखों लोगों का रोजगार छीन गया, कईयों के पास इलाज और दवाओं के लिए पैसे नहीं थे। इतना ही नहीं, सोनू सूद ने उन सारे माइग्रेंट्स को भी घर भेजने का बंदोबस्त किया जो शहर में दूर फंसे हुए थे। सोनू सूद की टीम सोशल मीडिया से लेकर जमीन पर काफी एक्टिव रहती है ताकि हजारों लोगों को वो रोज मदद कर सके। कोरोना के टाइम पे खाना से लेकर इलाज तक का खर्चा सोनू सूद ने उठाया। महामारी के मुश्किल समय में वो बहुत सारे लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गए। सोनू सूद फाउंडेशन के जरिए एक्टर आज भी जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। वक्फ्रंट की बात करें तो सोनू सूद बहुत जल्द फिल्म फतेह में नजर आने वाले हैं। फिल्म उनके साथ जैकलिन फर्नांडिस नजर आएंगी। हाल ही में वो नेम प्लेट विवाद को लेकर भी खूब चर्चा में रहे। सोशल मीडिया पर हमेशा प्यार पाने वाले सोनू सूद ने ट्रोलिंग भी झेली है। एक्टर के जन्मदिन पर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बॉलीवुड एंड एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की खबरों के लिए देखते रहिए एनएन बॉलीवुड एंड न्यूज नेशन डिजिटल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।